हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टॉर्चियस लाइबिलिटी के अंदर हमने ऑलरेडी विकेरियस लाइबिलिटी पढ़ ली थी, करे कोई भरे कोई। अब मालूम है यही जो विकेरियस लाइबिलिटी है स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है। जी हाँ, सही कहा और सही सुना। चलिए समझते हैं इसको। वी नो वेरी वेल विकेरियस लाइबिलिटी इज नथिंग बट करे कोई भरे कोई, नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है। हमने गलती नहीं की फिर भी हम जिम्मेदार हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्टेट के लिए भी, आम इंसान नहीं, स्टेट के लिए भी, मींस गवर्नमेंट। इन सम केसेस विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज अ स्टेट मे बी हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाई इट्स सर्वेंट। सही बात है, गवर्नमेंट ऐसे ही तो नहीं चलती भैया, उसमें सर्वेंट होते हैं, है ना? तो अगर सर्वेंट गलत करता है तो उसका भुगतान कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि भैया हम ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट ही तो कर रही है काम, बस ये है कि गवर्नमेंट के हाथ पैर नहीं है तो उसके सर्वेंट कर रहे हैं। तो जो कर रहा है, जिसके बिहाफ में कर रहा है, तो वही भुगतेगा। ये कंसेप्ट है। तो आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इन दोनों को मैं कॉमनली कहूंगा स्टेट, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो मींस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, मे स्यू और बी स्यूड। वो किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई और इन पर केस भी कर सकता है। ये कहां लिखा गया है? आर्टिकल 300 में लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और उसके साथ साथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिसके बेस पर ही विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट अराइज होता है। हालांकि ये कहीं स्पेशली लिखा नहीं गया है, बट जो केसेस सामने आते गए और जो जजमेंट दिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेस पर ये विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एप्लीकेबल है टॉर्ट में। तो यहां पर क्या बोला गया है जजमेंट में कि स्टेट इज लाइबल। अब स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट इज लाइबल और टॉर्ट्स कमिटेड बाई इट्स सर्वेंट। ये दोनों लाइन तो आपको समझ में आ गई है, यही लिखा है, ठीक है? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह का टॉर्ट, विच इज रिलेटेड टू नॉन सेवरीन फंक्शंस, विच इज रिलेटेड टू नॉन सेवरीन फंक्शंस, विच इज नॉट सुप्रीम फंक्शंस। तो स्टेट इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाई इट्स सर्वेंट ओनली इन द एक्सरसाइज ऑफ नॉन सेवरीन फंक्शंस बाई द सर्वेंट। एग्जाम्पल, अनरीजनेबल कस्टडी। किसी को कस्टडी में रखना कोई गलत नहीं है, कुछ गलत किया होगा इसलिए रखा होगा, लेकिन तुम किसी को जबरन ही उठाकर किसी को कस्टडी में रख दोगे तो भैया तुम अपने वर्किंग हार में गवर्नमेंट की पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हो ना। हाँ, तो ये नॉन सोवरेन फंक्शंस बात है। लेकिन अगर वही चीज सोवरेन फंक्शंस में है तो भैया टॉर्ट नहीं माना जाएगा और स्टेट भी लाइबल नहीं आएगा। किस तरह का एग्जाम्पल? लाइक एक्ट सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री। कंट्री की सुरक्षा हेतु अगर कुछ भी कदम उठाना पड़ता है तो वो सोवरेन फंक्शन में आएगा और उस चीज में आप सर्वेंट के किए हुए काम को टॉट नहीं कह सकते और उसके बेस पर गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं, आज की तारीख में सोवरेन नॉन सोवरेन फंक्शंस आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? तो केस टू केस है, जिस तरह से देखा जाएगा उस हिसाब से जजमेंट दिया जाएगा। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। लेकिन कागजी तौर पर अगर आप देखोगे तो यस, नॉन सोवरेन फंक्शंस से रिलेटेड अगर कोई सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट टॉट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लाइबल है। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है। अ गवर्नमेंट व्हीकल विच वॉज ड्राइवन रैशली एंड नेग्लिजेंटली बाय द कार ड्राइवर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना? जो ड्राइवर था कौन था? स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। राजस्थान का केस है। नॉक डाउन प्लेंटिप्स हस्बैंड, ठीक है? शिकायत करते कि जो हस्बैंड है उसको गंभीर चोट लग गई, क्या करते हुए? गवर्नमेंट की गाड़ी चलाते हुए गवर्नमेंट के वर्किंग आवर्स, रैशली नेग्लिजेंटली। बताइए कौन लाइबल होगा इस बेस पर? स्टेट लाइबल होगा। तो यहां पर वही हुआ। इन एन एक्शन अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, कोर्ट ने, मींस हाई कोर्ट ने, है ना, बोला कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान क्या है? लाइबल है, मतलब कंपनसेट करेंगे
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कंपनसेट करेगी प्लेंटिफ के हस्बैंड को। और देखो मजेदार बात क्या हुआ कि आगे जाकर इसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेंटेंस को सपोर्ट किया और बोला यस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आई मीन राजस्थान इज लाइबल। तो इस बात से साफ समझ में आती है कि करे कोई भरे कोई में सिर्फ आम जनता ही नहीं गवर्नमेंट भी शामिल होती है ना। बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो चलिए बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, तो फटाफट से इसको सारांश में लेते हैं याद रखने के लिए ताकि रिवाइज भी हो जाए। विकेरियस टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट दैट मीन्स करे कोई भरे कोई क्या है, नो फॉल्ट बेस्ट लाइबिलिटी है। और क्या है बच्चा, स्टेट, स्टेट बोला तो बोलो फटाफट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। मे बी हेल्ड लाइबल विदाउट द टॉर्ट्स कमिटेड, और ये टॉर्ट कौन किसने कमिट किया है, उसके सर्वेंट ने। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती के केस से हमको समझ में आ गया है कि स्टेट लाइबल होगा फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स ओनली इन द केस ऑफ नॉन सोवरेन फंक्शंस, है ना इजी। चलो बहुत अच्छी बात है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।